बांदा जिले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बीती रात बांदा जेल में अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया, जहां एक ओर मुख्तार की तबीयत खराब होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा सूचना के बाद मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार उससे मिलने बांदा पहुंच गया, जिसके बाद से ही गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर उसके बड़े भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस ने एक रेडियो संदेश सुबह के 4 बजे दिया। इसके बाद अफजाल अंसारी और परिवार के अन्य सदस्य उससे मिलने के लिए बांदा पहुंच गए। वहीं इसके बाद से मुख्तार अंसारी के आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसको लेकर ग्रामीण बलिराम पटेल ने मीडिया को बताया है कि संदेश मिलने के बाद मैंने सांसद अफजाल अंसारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम घर से निकल गए हैं और जो भी होगा हम वहां पहुंचकर बताते हैं। आगे बलिराम ने क्या कुछ कहा सुनिए। लगभग मिली माननीय सांसद अफजाल अंसारी से बात हुई, वार्ता के क्रम में माननीय सांसद जी ने बताया कि हम रास्ते में हैं, अभी मेडिकल कॉलेज के अंदर से कोई सूचना नहीं मिली है, पहुँचने के बाद ही सूचना मिलेगी। क्या बता रहे थे जब सांसद साहब की बात हुई तो उन्होंने क्या बताया? बताया कि अब पहुंचने के बाद ही सही समाचार मिलेगा और इसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती की सूचना दिए है और वायरलेस के माध्यम से थाने मोहम्मदाबाद थाना से सूचना उनको मिली, इसके बाद यहां से रवाना हो गए। कितने बजे वो निकले यहां से? 5 बजे के करीब निकले हैं। कौन कौन गया है परिवार से? उनके साथ रहने वाले 2-4 लोग हैं, ड्राइवर लोग हैं और उनके भाई पूर्व विधायक सिमतुल्ला अंसारी। पूर्व विधायक जी हज करने के लिए गए हुए हैं, वो बाहर हैं, आज आ जाएंगे, आने की संभावना है। अच्छा। और उनके बेटे शुएब अंसारी और मनु अंसारी भी बाहर हैं, आज आने की संभावना है, आने के बाद वो लोग भी पहुंचेंगे। इतना सभी लोग सूचना मिल गई है? सूचना तो लगभग सभी लोगों को मिल गई है। अभी यहाँ पे आवास पे परिवार के लोग हैं? परिवार का कोई सदस्य नहीं है। जहाँ एक ओर मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने की सूचना उसके सभी परिजनों को दे दी गई है, वहीं दूसरी ओर मुख्तार की हालत नाजुक बताई जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।